किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको कुंभ लग्न वालों के लिए नवंबर महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। ये चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। कुंभ लग्न के स्वामी शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल वक्री होकर आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र कन्या राशि में भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा जो बदलाव आने वाले हैं वो ये है कि सूर्य 16 तारीख को अपनी नीच की राशि में से निकलकर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। 16 तारीख को शुक्र भी अपनी नीच की राशि से निकलकर अपनी खुद की तुला राशि में आ जाएंगे। 20 नवंबर को गुरु मकर राशि में आ जाएंगे। गुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन शनि भी यहाँ पर होने से नीच भंग हो जाएगा। 28 तारीख को बुध वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। वैसे बुध 3 तारीख को मार्गी हो रहे हैं। 4 तारीख को करवा चौथ का व्रत है। उत्तर भारत में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 13 तारीख को धनतेरस है। 14 तारीख को दिवाली है। 20 तारीख को छठ पूजा है। 29 तारीख को देव दिवाली है और 30 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती है। यह पूरा महीना त्योहारों का है। 14 नवंबर को अमावस्या है। 13 नवंबर और 27 नवंबर को प्रदोष का व्रत है। 4 नवंबर को संकष्टी चतुर्थी और 18 नवंबर को विनायक चतुर्थी है। तो अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 11 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन इंडियन टाइम्स एंड डेट्स के ऊपर है, तो आप अपने देश के डेट और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। आपके लग्न के स्वामी शनि 12वें भाव में बैठे हैं। वैसे शनि अपनी ही राशि में हैं। शनि यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ाते हैं, हेल्थ भी खराब हो सकती है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या फिर जो लोग विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग फॉरेन रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो शनि यहाँ आपको लाभ करवाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। जहाँ मंगल पहले से वक्री होकर बैठे हैं तो पैसों के मामले में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी आपकी 7.5 भी चल रही है, लेकिन कुंभ लग्न वालों को इतनी परेशानी नहीं होती, फिर भी थोड़ी सावधानी रखें तो अच्छा होगा। शनि यहाँ पर अगले 2.5 साल तक रहने वाले हैं। ये शनि आपसे मेहनत करवाने वाले हैं। गुरु 20 नवंबर के बाद आपके 12वें भाव में आएंगे, तो गुरु और शनि का योग बनेगा जिसे नीच भंग राजयोग कहा जाएगा। गुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन शनि यहाँ पर होने से गुरु का नीच भंग हो जाता है, इसलिए नीच भंग राजयोग। इस समय के दौरान आप आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, मतलब आध्यात्मिकता में ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे। राहु आपके चौथे घर में बैठे हैं। राहु पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ये अच्छा फल देते हैं, लेकिन अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ जाए तो ये आपकी मन की शांति को छीन लेता है। अगर आप कोई नया घर ले रहे हैं तो वास्तु का खास ध्यान रखें, क्योंकि चौथे घर का राहु आपको वास्तु दोष देता है। अगर थोड़े टाइम के लिए रुक जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। आप जहाँ सोते हैं, मतलब कि आपके बिस्तर में आपके तकिए के नीचे मोर पंख रखें। राहु मोर पंख से डरता है, तो अगर आप मोर पंख रखते हैं तो इससे भी राहु की बुरी इफेक्ट कम होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हो, मतलब कि चौथे 8वें या 12वें भाव में हो, तो आपको हर अमावस्या पर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। बहते पानी में नारियल को बहाने से भी राहु की बुरी इफेक्ट कम होती है। 14 नवंबर को इस महीने अमावस्या है, तो इस दिन ये उपाय खास करें। बुध नवम भाव में बैठे हैं। सूर्य के साथ बुध बुधादित्य योग बनाते हैं।
ये एक अच्छी पोजीशन है। सूर्य आपके नवम भाव में बैठे हैं तो सूर्य नवम भाव में अच्छे नहीं माने जाते, तो आपको अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आपके पारिवारिक रिलेशन तो वैसे अच्छे रहेंगे। 16 तारीख के बाद जब सूर्य दशम भाव में आ जाएंगे तो ये आपको लाभ देंगे। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य मंत्र ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्रुतिम तमोरिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मिम दिवाकरम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपके थोड़े बहुत प्रॉब्लम हैं वो उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। गुरु आपके 11वें भाव में है, आपकी इनकम तो अच्छी रहेगी, लेकिन 20 नवंबर के बाद जब ये आपके 12वें भाव में जाएंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। वैसे गुरु शुभ कार्यों में ही आपको खर्चा करवाएंगे। 19 नवंबर तक आपके हाथ से दान ज़्यादा होगा। केतु आपके कर्म स्थान में बैठे हैं, आपको अपनी नौकरी से असंतोष रहेगा, आपको नौकरी छोड़ने का भी बार बार विचार आएगा, लेकिन आपको नौकरी में बने रहना है और मेहनत तो शनि करवाने ही वाले हैं, तो आप अपने काम में ध्यान लगाए रखें, अपने काम में फोकस रखें, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। जिन लोगों का जन्म का मंगल अच्छा नहीं है, मतलब कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल 4थे, 8वें या 12वें भाव में है, तो आपको 4 नवंबर को संकष्टी चतुर्थी और 18 नवंबर को विनायक चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं। तो हम देखते हैं बैड डेज के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में एक दो दिन ऐसे जाते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ और परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं, और वो समय होता है जब मन और मस्तिष्क के लॉर्ड यानी कि चंद्रमा नेगेटिव पोजिशन में आ जाए। चंद्रमा जब भी 6थे, 8वें या 12वें भाव में आते हैं तो ये हमें तकलीफ देते हैं। जिन लोगों का जन्म का चंद्र अच्छा नहीं है, वह लोग 13 नवंबर और 27 नवंबर को प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। ये भगवान शिव का व्रत होता है। 7 और 8 नवंबर, 11 और 12 नवंबर, 20 और 21 नवंबर आपके लिए बैड डेज रहेंगे, तो इस दिन आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फालतू की झंझट में ना पड़े तो अच्छा है। अपनी स्पीच को कंट्रोल करें, किसी की आत्मा को चोट पहुँचे ऐसा ना बोले। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। अब जानते हैं गज के स्त्री योग के बारे में। जब जब गुरु और चंद्र की युति होती है या गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने या 4 स्थान पर होते हैं तब गज के स्त्री योग बनता है। जैसे कि अभी गुरु यहाँ पर है, जब जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा धनु राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मीन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मिथुन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा कन्या राशि में, तो तब तब गुरु और चंद्र के कारण गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है, तो गुरु मतलब पैसा और चंद्र मतलब पानी, तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी से कोई पेमेंट लेना है, तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाए तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये होता है गज केसरी योग। इस महीने इन 4 दिनों में गज केसरी योग बन रहा है, 6 नवंबर, 13 नवंबर, 18 नवंबर और 26 नवंबर। तो इन 4 दिनों में 6 नवंबर और 18 नवंबर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, 13 नवंबर और 26 नवंबर को आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। शनिवार को 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें और काली चीज़ों का दान करना भी आपके लिए लाभदायी रहेगा। 14 नवंबर को अमावस्या पर पानी में कुछ काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष को अर्पित करें, तो इसे भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये था कुंभ लग्न वालों के लिए नवंबर महीने का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।